कि आपने जो शेयर्स हैं इशू करते हैं बिजनेस एक शेयर्स इशू करती है 1000 शेयर्स इशू कर दिए कि जो इंटरेस्टेड है इन्वेस्टर वो ले लें, 600 उनमें से बिक जाते हैं, 400 बच जाते हैं, तो जो 400 होंगे वो आउटस्टैंडिंग स्टॉक उसको भी कह सकते हैं। उसके बाद आता है ऑनर्स इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी आपको पता है कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी, ठीक है जी। जितने आपके एसेट्स होते हैं लाइबिलिटीज और ऑनर्स इक्विटी मिलके इसके एसेट्स के बराबर बनती हैं। अगर फर्ज की आपके पास लाइबिलिटीज नहीं है, ऑनर्स इक्विटी भी हुई एसेट दी है, तो आप लाइबिलिटीज को डिटरमिन कर सकते हैं। अगर फर्ज की आपके पास एसेट्स नहीं, लाइबिलिटीज और ऑनर्स इक्विटी दी हुई है, तो आप इस इक्वेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर फर्ज की ऑनर्स इक्विटी नहीं दी हुई, लाइबिलिटीज और एसेट्स दिए हुए हैं, तो एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस करें तो जो आंसर आपका आएगा ऑनर्स इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी क्या होती है कि वो पैसा, वो चीज़ें या वो प्रॉपर्टी वगैरह जो स्टॉक होल्डर्स होते हैं या शेयर होल्डर्स होते हैं, वो अपना पैसा मिला के जो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, तो जो जिस पे मलकियत शेयर होल्डर्स की होती है वो ऑनर्स इक्विटी होती है। इसके बाद पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप को हमने कल भी पढ़ा था कि दो या दो से ज़्यादा जो पार्टनर लोग मिलके बिजनेस बनाते हैं और 20 तक उनकी मैक्सिमम तादाद हो सकती है, ऐसे जो फर्म होगी या ऐसा जो बिजनेस होगा उसको हम पार्टनरशिप कहेंगे। और जो उन उन पार्टनर्स का आपस में रिलेशनशिप होगा उसको भी पार्टनरशिप हम कह सकते हैं। उसके बाद आता है पेटेंट। पेटेंट इसको पेटेंट राइट्स भी कहते हैं। पेटेंट राइट्स फर्ज किया एक कंपनी है, उसने एक डिजाइन बनाया किसी चीज का, ठीक है। फर्ज किया उसने एक आयरन इस्त्री बनाई है, ठीक है जी। उसका एक डिजाइन है, उसका एक ब्रांड है, उसका एक नाम है, तो उस पर वो एक अपना सिंबल टाइप बना देती है, फर्ज किया प्लस का या जैसे भी कोई एक सिंबल बना देती है। अब कोई उसको बेंचमार्क नहीं कर सकता उसकी परमिशन के बगैर, जैसे मोटरसाइकिल है CD70 होता है, पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरर कोई भी उसकी कोई कॉपी नहीं कर सकता, सिवाय इसके कि जो हुंडा वाले हैं उनसे वो फ्रेंचाइज बन के उससे कुछ राइट्स ले लें, उसके बदले में उनको कुछ पे करें और वो राइट्स ले लें कि हम इसको मैन्युफैक्चर करेंगे। फिर भी उनकी शर्त रहेगी कि क्वालिटी हमारी होगी और उस पर वो चार्जेज लेंगे। यानी कि जो किसी का एक राइट होता है, जो उसका एक अपना फार्मूला होता है, कोई बिजनेस एक फार्मूला या एक ऐसी टेक्निक बनाती है, तो उस पर उसका राइट होता है, उसका पेटेंट्स होते हैं, या उसकी जो सिंबल वगैरह होती है उसको भी कॉपीराइट या पेटेंट राइट्स हम कह सकते हैं। इसके अलावा पैटी कैश। पैटी कैश आपका ये बिजनेस है, तो हर चीज़ जो है ट्रांजैक्शन पे नहीं चल रही थी। बिजनेस अपने पास कुछ ना कुछ फर्ज किया 10,000 उसको अथराइज है कि वो अपने पास एट अ टाइम कैश रख सकता है, तो जो कैश की फॉर्म में उसके पास एसेट होगा, करंट एसेट, उसको हम पैटी कैश कहते हैं या पैटी कैश फंड कहते हैं। आपका एक बिजनेस है जिसको हम स्टार लिमिटेड कहते हैं। स्टार लिमिटेड, स्टार लिमिटेड ने अपने बिजनेस की इंश्योरेंस करवाई हुई है और पर मंथ वो 1000 इंश्योरेंस पे करते हैं, तो फल के इंश्योरेंस वाला आया या इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि हमें कुछ एडवांस में पे कर दें, तो उन्होंने क्या किया, ये जनवरी का महीना था और उन्होंने 1000 देना था, तो 1000 के बजाय उन्होंने 12000 दे दिया इंश्योरेंस वालों को। अब 1000 उसमें से माइनस हो जाएगा जनवरी के लिए, बाकी 11000 क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस, अभी एक्सपेंस हुआ नहीं है लेकिन प्रीपे कर दिया, और ये बिजनेस का एक एसेट होता है, करंट एसेट में काउंट करते हैं इसको। इसके बाद है प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि कंपनी की जो वर्थ होती है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी की क्या रेशियो है, कितना वो सेल्स करती है, कास्ट उसको कितनी आती है, उसमें कितना मार्जिन है, इस मार्जिन को प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के साथ भी हम जाहिर कर सकते हैं। इसके अलावा प्रॉफिट
एंड लॉस स्टेटमेंट, जैसे मैंने आपको बताया था, साथ में यहाँ पे मैं क्लियर बना कर दूंगा आपको। ये पहली फेज होती है जिसमें हम जनरल एंट्रीज करते हैं, जनरल एंट्रीज। ये आपके पास जितनी भी हो रही होती हैं ये अपनी रिकॉर्ड करते हैं। यहां से जब आपका एक पीरियड खत्म हो जाता है तो फिर आप उससे लेजर बनाते हैं, जनरल लेजर। लेजर क्या होते हैं, यहां पे फर्क किया जाता है, फर्नीचर की काफी सारी एंट्रियां हैं, कैश की काफी सारी एंट्रियां हैं, एसेट की काफी सारी एंट्रियां हैं, लाइबिलिटीज की काफी सारी एंट्री है, तो आपने हर एक का लेजर अलग से बनाते जाना है। ये कैश का था, ये फर्नीचर का था, फर्नीचर की जितनी एंट्री होंगी यहाँ पे हम डालते जाएंगे, डेबिट वाले डेबिट, क्रेडिट वाली क्रेडिट साइड पे। अब यहाँ पे स्टॉक की थी तो स्टॉक के लिए आपने लेजर बना देना है, जितनी भी एंट्री आती हैं आपने ऐड करते जाना है। यहाँ पे आपका परचेजेस का आ गया, यहाँ पे आपका सेल्स का आ गया, ठीक है जी। यहां से आपने एक एक डिजिट जो आपका फाइनल होता जाएगा, यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, यहाँ पे डेबिट बैलेंस ज्यादा है, यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, यहाँ पे क्रेडिट है, यहाँ पे भी क्रेडिट है, यहां से आपने क्या करना होता है, उठा के एक डेबिट क्रेडिट वाली साइड बना के यहाँ पे पर्टिकुलर फर्नीचर लाइबिलिटीज, फर्नीचर लाइबिलिटीज, स्टॉक, परचेजेस, सेल्स, रिसीवेबल्स, पेएबल्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो ये जितने भी होंगे, किसी का डेबिट बैलेंस है तो डेबिट पे लिखते जाएं, किसी का क्रेडिट है तो क्रेडिट पे लिखते जाएं, इस तरीके से आप बनाते जाएंगे, ये आपको बन जाएगा ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस से जब आपने, ये फेज वन था, फेज टू थी, फेज थ्री थी, और यहां पे फेज फोर पे आप क्या करेंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, ठीक है जी। ये हम एक किसी न्यूमेरिकल से करेंगे भी, एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा समझ आ जाएगी। ये आपका फर्क या सेल्स हैं, ये परचेजेस हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने होते हैं वो हम ट्रेडिंग अकाउंट में बनाते हैं, और ट्रेडिंग अकाउंट से जो आपका यहाँ पे जीपी बनता है, ग्रॉस प्रॉफिट आता है, उसको हम यहाँ पे ब्रिंग डाउन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फिर फर्दर आपके जो छोटे एक्सपेंसेस होते हैं उसको माइनस करने के बाद जब आपका यहाँ पे नेट प्रॉफिट बचता है, ये आपका नेट प्रॉफिट बचता है, तो ये आपने एक बनाना होता है, इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं, और यहां से चीज जो नेट प्रॉफिट आपका होता है इसको उठा के आप बैलेंस शीट में ले जाते हैं। बैलेंस शीट में हम क्या रखते हैं, ये हमारी लाइबिलिटीज साइड होती है, ये हमारी एसेट साइड होती है, ठीक है जी, और ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो ये सारे का सारा सिस्टम जो होता है अकाउंटिंग साइकिल इसको हम कहते हैं, और ये जो होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट होती है, ये बैलेंस शीट होती है, ये लेजर्स होते हैं, और ये ट्रायल बैलेंस होता है। प्रोप्राइटरशिप के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, प्रॉस्पेक्टस के बारे में पढ़ते हैं। प्रॉस्पेक्टस को तो आप जानते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में आपने जब भी एडमिशन लेना हुआ, कॉलेज में जब जाते थे एडमिशन लेने के लिए, तो वो हमें एक फॉर्म लेने के लिए एक प्रॉस्पेक्टस देते थे, और उस प्रॉस्पेक्टस में सारी टर्म्स एंड कंडीशन, सारी शरायत, सारा कुछ लिखा होता था कि कौन सी इनके पास फैकल्टी है, प्रॉस्पेक्टस। यूनिफॉर्म क्या है उसका, उसके कलर क्या होगा, फलाना कहाँ से मिलेगा, और बुक्स वगैरह कौन सा सब्जेक्ट कौन पढ़ाएगा, ये सारी डिटेल लिखी होती थी। सेम इस तरीके से जब एक कंपनी का सेटअप होता है तो वो भी एक प्रॉस्पेक्टस इशू करती है कि इसके पार्टनर्स कौन से हैं, इसके शेयर होल्डर्स कौन से हैं, इसके डायरेक्टर्स कौन से हैं, इसके प्रमोटर कौन से हैं, इसकी बिजनेस कब स्टार्ट हुआ, इसका मैंडेट क्या है, ये चलेगी कैसे, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कैसी है, और इसका कौन कौन सी ये चीज़ें प्रोड्यूस करेगी। तो ये सारी की सारी डिटेल जो होती है बिजनेस अपना, जब शेयर्स जब स्टार्ट होती है बिजनेस, तो वो प्रॉस्पेक्टस इशू करती है, उस पे जो है जिसने शेयर्स के लिए अप्लाई करना होता है वो करता है। इसके अलावा है कंपनीज के आगे टाइप्स पढ़ लेते हैं। कंपनी ये मुख्तलिफ आगे किसी, एक होती है पब्लिक कंपनी होती है जिसके वाइड शेयर अवेलेबल, वाइडर लेवल पे शेयर अवेलेबल होते हैं, और इसके मेंबर्स की तादाद, जो शेयर होल्डर्स की तादाद कम से कम 7 से लेके अनलिमिटेड होती है, ठीक है।
इसके अलावा कोई एक लिमिटेड कंपनीज होती हैं, लिमिटेड कंपनीज, कोई लिमिटेड बाई गारंटी होती है, कोई लिमिटेड बाई शेयर होती है, कोई लिमिटेड बाई स्टॉक होती है, कोई लिमिटेड, इस तरीके से उसकी सारा मैंडेट होता है। और कुछ चार्टेड होती हैं, चार्टेड कंपनीज होती हैं, वो पहले पहले वक्त के जब गोरों का दौर था पाकिस्तान के ऊपर या इंडिया के ऊपर, उनकी हुक्मरानी थी, जो उन्होंने बनाई हुई थी उनको चार्टेड कंपनीज कहते थे। वो जो मलका ने परमिशन दी हुई थी कि आप बिजनेस यहाँ पे सेट कर सकते हैं, तो उस रॉयल ऑर्डर के जरिए जितने बिजनेस सेट थे उनको चार्टेड कंपनीज कहते हैं। अच्छा, उसके बाद आता है क्वालिफाइड ओपिनियन। ऑडिट टर्म, ऑडिट के रेलिवेंट टर्म है क्वालिफाइड ओपिनियन, क्वालिफाइड ओपिनियन। ऑडिट क्या होता है? जब एक ऑडिटर आके बिजनेस को चेक करता है उसको ऑडिट कहते हैं। और ऑडिट क्या होता है? इंडिपेंडेंट असेसमेंट होती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑफ ए बिजनेस, ठीक है जी। जब वो सारी की सारी बिजनेस को, जब जो उसका ऑडिट का टेन्योर होता है, जो उसने रिकॉर्ड देखना होता है, एक साल का, एक छः महीने का रिकॉर्ड उसने देखना था, वो रिकॉर्ड देखता है, उसमें गलतियां होती हैं तो वो देखता है, असेसमेंट करता है, फिर उसके बाद अपनी एक सारा देख लेने के बाद वो एक राय कायम करता है कि बिजनेस ठीक चल रहा है या गलत कर रहा है। तो उसका मेन क्या होता है? इंडिपेंडेंट ओपिनियन देनी होती है, इंडिपेंडेंट ओपिनियन, जिस पे किसी की मर्जी नहीं होती, बल्कि ऑडिटर खुद इतना क्वालिफाइड भी होना चाहिए जो अपनी रिपोर्ट दे सके, और उसने इंडिपेंडेंट ओपिनियन देनी होती है, यानी कि उस पे किसी का दबाव नहीं होता, इंडिपेंडेंट ओपिनियन होती है। ओपिनियन की आगे दो टाइप्स होती हैं, क्वालिफाइड ओपिनियन होती है। क्वालिफाइड ओपिनियन ये होते हैं वो बिजनेस के लिए खतरनाक होती है, जिसमें वो बताता है कि ये वीक एरिया थी, इस वजह से यहाँ पे कोई फ्रॉड हुआ है या एम्बेजलमेंट वगैरह हुई है। और अनक्वालिफाइड रिपोर्ट ये होती है कि उसके हाथ में कुछ नहीं आया तो उसने एक अनक्वालिफाइड रिपोर्ट दी है।